नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है सेकंड सैटरडे, मतलब छुट्टी का दिन है, और कल रात से यहाँ लगातार रुक रुक कर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमने निकल चुका हूँ अपने लोकल एरिया में। और बारिश के बाद का कैसा मौसम है, कैसा यहाँ पे व्यू है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लगातार बारिश है कल से यहाँ पे, और अभी समय है दिन के 2 बजे के आसपास का, अभी भी बारिश हो रही है। और जैसा कि अभी पास में ही यहाँ पे मैंने सुना कि गौकथा हो रही है, भद्रगढ़ी एक जगह है पिताल घाट के पास में ही, वहाँ पर गौकथा चल रही है, तो अगर मुझे समय मिला तो आज मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो ये सब देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और मेन कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ इधर का आज का मौसम, कि बारिश के बाद का कैसा मौसम है यहाँ पे। इस क्षेत्र की अपार आस्था का केंद्र बेतालेश्वर शिव मंदिर, ये देखिए दोस्तों, जिसका आजकल सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। देखिए सुंदर सुंदर शिव मूर्तियाँ लग रही हैं, जिसमें अभी कार्य और होना शेष है। ये देखिए बेहद खूबसूरत ये मंदिर बन रहा है, और इस क्षेत्र के लोगों की आस्था इस मंदिर में बहुत अधिक है, बेतालेश्वर महादेव मंदिर पे। और इसके साथ से लगा हुआ नकवाबू मंदिर, जो क्षेत्र रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ये भी लोगों की आस्था का केंद्र है। और ये देखिए सामने नीचे कौशल्या नदी, और इसी सामने पहाड़ी पर दुर्गापुरी मंदिर, जहाँ अभी कुछ दिन पहले नवरात्रि में ज़बरदस्त भीड़ थी, मैंने आपको अपने वीडियोज़ के माध्यम से दिखाया भी था। ये देखिए बेहद खूबसूरत नज़ारा है इस समय, रात से ही यहाँ बारिश है लगातार रुक रुक कर। ये देखिए अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए बेतालेश्वर शिव मंदिर, जिसके सौंदर्यकरण कार्य अभी भी चल रहा है, बेहद खूबसूरत मंदिर है। ये देखिए दोस्तों, ये है व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको बेतालघाट का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। शाम के समय यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं बैठने के लिए, फ़ोटोग्राफी करते हैं, और हवा अच्छी चलती है यहाँ पर गर्मी में। खासकर देखिए इस जगह से मैं दिखाता हूँ आपको पूरे बेतालघाट क्षेत्र का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए सामने दुर्गापुरी मंदिर, ये देखिए बारिश के खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए कल रात से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, और अभी भी बारिश है। बारिश के ये देखिए आप बारिश के समय का खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए सामने पहाड़ों पर अभी भी कोहरा लगा हुआ है, और रुक रुक कर बिल्कुल झमाझम बारिश है। ये देखिए बेतालघाट, बेहद खूबसूरत नज़ारा बेतालघाट का इस क्षेत्र से, इस व्यू पॉइंट से देखिए। और सामने नीचे कोशी नदी, ये देखिए तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी भद्रगढ़ी की तरफ, और वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ गौकथा के कुछ अंश। ये देखिए गौकथा की आवाज़ आपको मेरे वीडियो में आ रही होगी, क्योंकि मैं पहुँचने वाला हूँ भद्रगढ़ी, बेतालघाट के पास में स्थित भद्रगढ़ी, जहाँ पे इन दिनों चल रही है गौकथा। तो लिए चलता हूँ आपको उसी तरफ। ये देखिए दोस्तों भद्रगढ़ी, जहाँ गौकथा हो रही है, वहाँ से देखिए खूबसूरत नज़ारा। बरसात के बाद देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और जैसा मैंने आपको बताया कल से रुक रुक कर झमाझम बारिश है। देखिए बेहद खूबसूरत इस जगह से व्यू, देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखिए ये देखिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं भद्रगढ़ी में उस जगह पे जहां पे गौकथा प्रारंभ है। देखिए ये देखिए गौकथा चल रही है जहां पे। हम जिस यज्ञ से लग रहे, हम जिस कर्म से लग रहे, हम जिस धर्म से लग रहे, हम जिस सेवा से लग रहे, जिस कार्य से लग रहे, उस कार्य की सिद्धि तब होगी जब श्रद्धा, विश्वास और समर्पण आएगा, और जब संतोष हृदय पे होगा। तो देखो पूर्ति कभी किसी की नहीं होती। भगवान के लिए हमें एक चमड़े का ठेला दे रखा है, ठेला भी नहीं भरता। 56 भोग खा लो, आज 56 भोग मिलेंगे, कल जीवा फिर मांगेगी।
ये जमड़े का थैला भरने का नाम ही नहीं देता। तो इसलिए परमात्मा की फूर्ति, अगाध विश्वास, हमारा समर्पण, हमारा प्रेम, हमारा अनुराग अगर परमात्मा के प्रति बना होगा, जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट कोई नहीं सकता। गुरु जय श्री कृष्ण, संस्कार संपन्न हो रहा है। गुरु जय श्री कृष्ण। और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे, देखो उस अमृतमयी गैया मैया के चरणों में बैठ करके मेरा आज नामकरण संस्कार संपन्न हो रहा है। गुरु जय श्री कृष्ण। समस्त गोपियां आज उत्सव में प्रवेश कर रही है। जियो श्याम लाला, जियो कृष्ण लाला, जियो श्याम लाला, जियो ये देखिए दोस्तों गौ कथा का सुंदर अंतर। ये देखिए सारे भक्त मंत्र मुग्ध इधर। मनमोहक भद्रगढ़ी का भक्तिमय माहौल। ये देखिए दोस्तों श्रद्धालुओं से पूरा खचाखच भरा हुआ है। अनंत कृपा है और मैं आप लोगों के ऊपर तो कृपा है ही, लेकिन मैं अपने आप को भी परम सौभाग्यशाली मानता हूं। ये परमात्मा की अनंत कृपा है, गैया मैया की अनंत कृपा है कि मुझे गौ कथा गान करने का इस सुंदर भद्रगढ़ी धाम में और गौशाला के मध्य इस कथा को पान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उस परमात्मा का, उन भगवान का कोट कोट धन्यवाद करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है। और इधर जो है समस्त ब्रजमंडल आज मिठाई बन गया। भगवान आए ना, सारा ब्रजमंडल मिठाई में करने के। अच्छा सुनो, ये सारा भद्रगढ़ी धाम मिठाई बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना? बहुत सुंदर, सब आनंद में है। और सब देखो, आज तो हमने कल्पना भी नहीं की कितने लोग होंगे। सच बताऊं तो मैं आज, और दिन हम 12 बजे मंच पर बैठ जाते थे, आज 1 बजे मैंने अरोड़ा जी से कहा अब चलते हैं। मैंने कहा आप 1:30 बजे तक आइए, आज बारिश हो रही, लोग कम आएंगे।
लेकिन देखो ये गैया मैया की कृपा है कि सबको अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, अपनी तरफ खींच लिया। पर मैं मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके इष्ट मित्रों में वो अपनी कृपा बनाए रहे। और ऐसी ऐसी कथाओं में, ऐसे सत्संग में, ऐसे अनुष्ठान में आपके ऊपर कृपा बने रहे, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस पुण्य का लाभ उठा सके। बोलो जय श्री कृष्ण। समस्त ब्रजमंडल आज मिठाई बनाए। हमारे गुरुदेव कहते थे आज बर्फी सी ब्रजनार बनी। सुनो, दूध से ही तो बर्फी बनती है, बनती कि नहीं बनती? गाय के दूध से बर्फी बनी। और ये बर्फी कैसी है? ये सारी ब्रजनारियां आज बर्फी जैसी मीठी हो गई। बर्फी सी ब्रजनार बनी और गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसा। रोहिणी जी खीर से ज्यादा मीठी हो गई। रस खीर सी रोहिणी रूप रसा, कि नंद महीप मने नमकीन, कि नंद महीप बने नमकीन, कि गोकुल गोप सब गरम मसाला, जाया यशोदा जलेबी सिराने, रबड़ी सी रात में लडुआ सोला, कि रबड़ी सी रात में लडुआ सोला। सब इतने मीठे, देखो समागम में मिठाई का जो स्वाद है ना वो थोड़ी देर रहता है। आपको लड्डू मिल जाए, आपको पेड़ा मिल जाए, आपको खीर मिल जाए, आपको रसगुल्ला मिल जाए, आपको रबड़ी मिल जाए, कितनी देर स्वाद रहेगा? थोड़ी देर। लेकिन जो ये भगवान की मंगलमयी कथा का स्वाद है, जो भगवान की मंगलमयी चिंतन का स्वाद है, भगवान के मंगलमयी दर्शन का स्वाद है, और गैया मैया की सेवा का जो स्वाद है, वो जीवन भर मिलता है। कई लोगों के चित्र में ये भी धारणा होगी, अपने स्वाद की बात बता रहा हूँ, थोड़ा इसी चर्चा पर आगे बढ़ जाता हूँ, कि कई लोगों के चित्र पर ये भी धारणा होगी, अरे वही ब्यास जी आए, कथा बहुत सुंदर सुना रहे, चलना चाहिए। तो वो स्वाद है, हम सुंदर कुछ नहीं है ना, हम सुंदर सुनाते हैं। सुनने और सुनाने का काम परमात्मा का है, उसने जैसा आदेश कर दिया हम सब बताएं, हम वहां से सोच के कुछ आते और यहाँ और हो जाता है। गुरु जय जी लग जाता है ना, तो वो फिर भूलता नहीं। जब हम कथा से लग जाते हैं, जब हम सत्संग से लग जाते हैं, जब हम संकीर्तन से लग जाते हैं, जब हम भजन से लग जाते हैं, जब हम भगवान के दर्शन से लग जाते हैं, जब हम गाय की सेवा से लग जाते हैं ना, तो हम ऐसा सोचते हैं हमारा क्या छूट गया। अच्छा, जो माताएं बहने घर में गौ सेवा करती है ना, सुबह उठते ही सबसे पहले गाय की याद आती है, गौशाला में दूध लगाना है, उसको घास देनी है, दिन में सब काम निवृत्त होकर सबसे पहले गाय की याद आती है, उसे भोजन देना है, उसको जलपान कराना है। जो माताएं बहने यहाँ कथा सुनने आई ना, उनको भी घर की याद होगी, हमारी भैया मैया भीतर बांधी है, उनको भोजन देना है, उनका दूध निकालना है। तो ये प्रताप किसका है? ये प्रताप है भैया मैया का, जिसकी सेवा से हम लगे, जिसकी कथा से हम लगे। मैंने कहा ना, गैया मैया बैतरणी पार कराने वाले हैं, मृत्यु के उपरांत जो 24 प्रकार के नर्क हैं, उन्हीं नरकों में एक बैतरणी नाम का नर्क भी है। और मृत्यु के समय जो हम बैतरणी नाम संकल्प लगाते हैं, अर्थात गुणान संकल्प लगाते हैं, उस संकल्प से वह गाय हमें बैतरणी पार करने वाली होती है। जिसने गौ सेवा नहीं की, जिसने गौदान नहीं किया, जिसने बैतरणी दान नहीं किया, जिसने गौग्रास नहीं दान किया, जिसने गाय की एक रोटी नहीं निकाली, मरने के उपरांत यमराज के दूध उस बैतरणी नदी जो चारों तरफ से हड्डियों से बनी हुई है, जिसके तट जो है हड्डियों से बने, और जिसमें जल नहीं है, उसमें जिसमें पीप और रक्त भरा पड़ा है, और जिस बैतरणी में बड़े बड़े मांसाहारी जीव जो है निवास करते हैं,
और जब जीव उस अनेक पापों के द्वारा उस वैतरणी में जाता है तो वो जो है उस समय जैसे मछली को हम कांटा डाल करके बाहर निकालते हैं, वैसे यमराज के दूत कांटा डाल करके इस जीव के मुख में इस वैतरणी नदी को पार करवाते हैं। और जब वो वैतरणी नदी में प्रवेश करता है तो वहां जो मांसाहारी जीव है उनके द्वारा उनके मांस को नोचा जाता है, खींचा जाता है, उसे उस समय बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। और तब वो चिंतन करता है, तब वो विचार करता है, तब वो मनन करता है, अगर मैंने जीवन में एक भी गोदान किया होता, अगर मैंने जीवन में गौ सेवा की होती, मैंने जीवन में गौ पूजा करी होती, मैंने जीवन में एक बार भी गौग्रास किया होता तो ये स्थिति मेरी नहीं होती। क्योंकि एक तरफ तो वो लोग जा रहे हैं जो अपवित्र है, जो पापी है, जो दुष्ट है, जो गौमांस भक्षण करते हैं, जो गौ हत्यारे हैं वो जा रहे हैं, और एक तरफ वो जा रहे हैं आकाश मार्ग से यमराज के दो गुरु को ले जा रहे हैं, एक वो जा रहे हैं जिन्होंने गौ दान किया है, जो गौ ग्रास दान करते हैं, जो गौ के लिए भोजन निकालते हैं, जो गाय की सेवा करते हैं, जो गौगर्भ का पान करते हैं, जो गाय का नित्य दर्शन करते हैं, जो नित्य गाय का गाय की पूंछ पकड़ के इस विशाल वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। तो इसलिए जीवन में हमारे जीवन का परम ध्येय होना चाहिए, हमारे जीवन का परम ये संकल्प होना चाहिए कि हमें गौ पालन से लगना है, गौ सेवा से लगना है, गौ चिंतन से लगना है, गौ दर्शन से लगना है, गाय की पूजा करनी है, गोदान करना है, गाय की सेवा करनी है, घर घर में गाय का निवास होना चाहिए। जिस दिन हम अपनी गैया मैया से लग जाएंगे, गैया मैया को अपना मान लेंगे, उस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री। इसलिए देखो, गाय को दंड देने वाला, गाय को कष्ट देने वाला स्वयं अगर अष्टो बसु भी है तो उनको भी दंड किया जाता है, उनको भी दंड। अष्टो बसु एक बार भ्रमण करते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम में आए अपनी पत्नियों के साथ, और जब अष्टवसु वशिष्ठ जी के आश्रम में आए तो वशिष्ठ जी भजन के लिए कहीं और गए थे। उन्होंने देखा कि वहां वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी नाम की जो कामधेनु है वो बदी हुई है। तो वसुओं की पत्नी ने आग्रह किया कि स्वामी जी, आप हमें ये बताएं, ये जो सुंदर गौ है जिसको देख करके पवित्रता आनंद हो रहा है, पवित्रता महसूस हो रही है, ये गाय कौन है, इसका परिचय क्या है? तो अष्टवसुओं ने कहा, महाराज ये कामधेनु नंदिनी है। पर वशिष्ठ जी ने कठोर तप करके, गायत्री का कठोर तप करके देवलोक से इसे प्राप्त किया है। तो अष्टवसुओं की पत्नी ने कहा, इन देवी जी को देख करके, इन गैया मैया को देख करके, मां कामधेनु को देख करके पवित्रता हो रही है, आनंद हो रहा है, उत्साह हो रहा है। अष्टवसुओं में जो प्रधान वसु ध्वना तो सुबे, उन्होंने कहा, देवी इस गाय के दूध में अमृत है, इस गाय के दूध को अगर मृत्यु लोक में कोई पान कर ले तो उसका समस्त रोग चला जाता है। अच्छा, और तो और छोड़ो, कैंसर जैसा रोग भी गाय के दूध से ठीक हो सकता है। हम लोग कल्पवास होता है, कल्पवास, अगर गाय के दूध का कल्पवास किया जाए तो उससे बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो सकती है। हमारे शंकर महाराज जी, नंदन महाराज जी आश्रम के जो महंत हैं वो कल्पवास कराते हैं, कई उनके भक्त मेरे यजमान भी, तो वो कहते हैं जब हम बीमार थे, बीच में हम पेट से बहुत परेशान थे, डॉक्टरों ने नाइलाज कर दिया, कहा तुम्हारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, तुम्हारी आंतें सड़ गई है, तो शंकर महाराज जी ने उनको काली गाय का दूध जो है कल्पवास कराया और 6 महीने कल्पवास कराया, और भगवत कृपा है आज वो 80 वर्ष के स्वस्थ है। तो गाय के दूध में अमृत है, गाय का दूध अनेक औषधियों के औषधि गुणों से भरपूर है, अनेक रोगों को समाप्त करने वाला है। हाँ देवी, ये जो नंदिनी कामधेनु है इसका दूध अमृत है, मृत लोग अगर कोई इसका पान कर ले उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे, समस्त रोग चले जाएंगे। तो प्रधान वसु जो है उनकी पत्नी कहती है, स्वामी मृत्यु लोग में उसीनर नाम के एक राजा है, उनकी जो कन्या है वो मेरी सहेली है और वो बहुत रोग से ग्रसित है, हे ऋषिवर मैं चाहती हूँ इस कामधेनु को आप अपने साथ ले चलें ताकि मैं अपनी सहेली को यह अमृत पान करा सकूं।
जो राम की जो वस्तु है उनकी पत्नी देते हैं स्वामी। अरे हम चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, इनको लेकर के जाएंगे, अपनी सहेली को दूध पिलाएंगे और पुनः यहाँ बांध देंगे। और जो वस्तु आज समस्त अष्ट वसु इस गाय को चुरा करके अपने आश्रम में ले आए। और जब वशिष्ठ जी आए, देखा खूंटा खाली है, गाय बधी नहीं है, कोई गाय को चुरा करके ले आए। उसी समय वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया तो क्या देखा, अष्ट वसु आज जो है मेरी गाय को चुरा करके ले गई है। इन्होंने पाप किया है, इन्होंने मेरी गाय को मुझसे छीना है। और उसी समय कबंधन से जल लिया और श्रापित कबीर, जाओ अष्ट वसुओं में तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आठों वसु मृत्यु लोक में मां के गर्भ से जन्म लोगे, गर्भ के कष्ट को तुम सहन करोगे। जन्म और मृत्यु का जो बंधन है वो बहुत कठोर है, गर्भ का जो कष्ट है वो बहुत कठोर है, गर्भ का जो दुख है वो बहुत कठोर है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, मृत्यु लोक में जाओ और तुम जो है नारी के गर्भ से जन्म लोगे। गाय को चुराने का ऐसा श्राप इन अष्ट वस्तुओं को लगा कि इन अष्ट वस्तुओं को मृत्यु लोक में आना पड़ा। और गंगा जी के गर्भ से सात वस्तुओं ने जन्म लिया। एक जो नाम के वसु का सहयोग करने के कारण सात वसुओं को जन्म लिया और सातों वसु जो है गंगा जी के द्वारा गंगा जी में समर्पित कर दिए गए। और आठवें वसु चोरी का पश्चाताप करने के लिए आठवें वसु ने जन्म लिया और ये कोई और नहीं है, भीष्म पितामह ही आठवें वसु हुए, जिन्होंने चोरी का पश्चाताप करने के लिए जिनको जो है भीष्म पितामह बनना पड़ा और अपने सामने अपने वंश अपने कुल को समाप्त होते हुए। और 54 दिन तक जो है बाण सैया पर पड़े रहे ये अष्ट वसु आठवें वसु जो नाम के। इसलिए गाय को कष्ट देने वाला, गाय को दुख देने वाला, गाय को भोजन न कराने वाला, गाय की सेवा न करने वाला सदा सर्वदा नर्क गामी होता है, नर्क के मार्ग में। की जय हो प्रभु मैया की, जय हो गंगा मैया, जय हो भद्र गढ़ी धाम की, जय हो भद्र गढ़ी गौशाला की, जय हो कमलेश्वर महादेव की, जय हो सुखदेव महाराज की, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बोलो सब संत समाज की, जय हो।